तो नया आमदार के साथ निदान नहीं छोड़ दूंगा। बोल अरे मुके कुछ रहे अपना खलील आपके पास दस खराब हो गया है, दिख रहा है बीमारी। अरे दस दिन है आपके पास, आप दस दिन में क्या करेंगे पहले ये समझा दो, फिर आप हमारी बात बोलते। पहले उनकी जो बात, शहर में चलना बहुत मुश्किल हो गया है, मेन रोड इतना खराब हो गया कि ट्रैक्टर पलट जाता है, आए दिन जो है हादसा हो रहे हैं। दूसरे दिन चाहिए क्या योजना है, कहाँ से क्या क्या करने वाले इनसे चाहिए था हमको, पूरा रोड चाहिए, ये रोड पे हम ये नियोजन कर और थोड़ा सा ऐसा बोलना है मेरा, दो बाय दो को इकट्ठा होना, तीन बाय तीन को पेशोर को इसमें डाल देते हैं, तो दे रहे होता नहीं, फिर उसके अंदर पानी मिल जाता, पूरा माल बढ़ता, बोला थोड़ा हटाने को वो पूरा निकल जाता, उसको साइड से थोड़ा कोर करके फिर उसके बाद उसमें कैसा है कि उसमें माल डालने के बाद भी अगर फिर बाद में खड्डा हो गया दो चार दिन में तो कोई मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ। ये कल अपने को नियोजन दे देते, अगर अपने को लगता कि और किसी तरफ पेन से छूटा है तो हम उसको आप लिख के वापस दे देंगे कि ये हिस्सा आपसे छूट रहा है। दूसरी बात ये कि आप नियोजन दे देंगे तो जब आप काम शुरू करेंगे फिर हमारे भी लोग आसपास वहाँ आएंगे, वो अच्छा हेल्प करेंगे, वो बहुत अच्छा हेल्प करेंगे साहब। हम पूरे शहर के अंदर आह्वान करने वाले कि जहाँ कहीं कॉर्पोरेशन मार्फत या पीडब्ल्यूडी के मार्फत काम होगा, अगर काम बराबर नहीं है क्वालिटी में तो काम करने देना नहीं। अच्छा काम करेंगे तो मदद करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो पब्लिक मदद करेगी, अच्छा काम नहीं होगा तो काम नहीं करने देंगे। अनेक मालेगांव में ना आज तक कभी इतनी बड़ी संख्या में डेंगू नहीं हुआ, इतनी बड़ी संख्या में आपको भी पता होगा, और साफ सफाई का मसला जो है वो भी अपनी जगह कायम है, तो आरोग्य और स्वच्छता की और पानी के सवाल पर पानी की कल लगाओ, कल आप टाइम बोलो कल कब लगाएंगे, 12 बजे नहीं सुबह नहीं दोपहर बाद में। अरे नहीं ना मालेगांव में ना आज तक इतनी बड़ी संख्या में डेंगू नहीं हुआ, इतनी बड़ी संख्या में आप पता होगा, और साफ सफाई का मसला जो है वो भी अपनी जगह कायम है, तो आरोग्य और पानी के सवाल का पानी कल लगाओ, कल आप टाइम बोलो कल कल लगाओ। अरे नहीं ना हार्ड मिक्स का होता नहीं, उसके बाद जब 15 अक्टूबर को जब तुम्हारा लेटर का टाइम खत्म हो गया तो उस वक्त अब तुम्हारा जो काम है टेक्निकल तौर से तुम उसको पेचवर्क करवा सकते हो। अभी देखो 1 जून से काम बंद हो गया, हेलवाई रोड का काम बारिश में क्या हुआ और कैसे हो क्या जो बचे लोग काम को खराब पार्टनर लोग
जो काम नहीं हुआ था उसमें तो डर के बिल निकाल दिए। पंडित साहब पास धरने बैठे थे 55 लाख रुपये, वो रात में निकाल के दिए। तुम कहाँ बोलने लगा रहे साहब? जिसको नहीं मालूम है ना उसको बताओ तुम निकला नहीं निकला, जिसको मालूम है तो उसको मत बताओ। वो जो धरने में बैठा गया था ना, तो जो काम का ये लोग लगाए थे तो वो तुम बिल दिए दूसरे दिन सुबह में 55 लाख का। मैंने तुम्हारे जो बांधकाम विभाग को ऐसा बोल दिया कि जितने भी तुम्हारे रास्ते प्रशासन की तरफ से अभी तुम बजट बनाएंगे ना, तो पूरे रोड के क्लियर अभी तुम अभी लो पूरे रास्ते प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई प्रपोजल साहब आता ही नहीं तुम्हारी तरफ से। तुम्हारे एक तुमने रजिस्टर्ड करे हुए रोड तुम सन निर्मित करते वो काम, दूसरे रोड का मेंटेनेंस तुम कैसे करेंगे? वो रोड के मेंटेनेंस का तुम्हारे पास कोई एनी स्ट्रेटेजी नहीं है कि तुम करने क्या वाले हैं। एंट्रेंस रोड का तुम करने क्या वाले हैं? बार बार हम प्रशासन को ये बोलते हैं कि तुम्हारे तरफ से आगे बढ़ेगा कौन? नगर सेवक पकड़ेगा अपने वार्ड में इतने बड़े बड़े रोड? प्रशासन ने कभी सुझा ही किया ही नहीं। कब देखते मेंटेनेंस के बाद 3 साल के बाद कब देखते जाते वो रोड? वो मेंटेन कौन करेगा? फिर उसके बाद पूरा पूरा रोड तुम ही करेंगे क्या? साहब एक मसला ऐसा भी है, अपने रिलीज करने के बाद साल भर के बाद करो, जैसा अपना ग्रांट के बिल करते ना वैसा करो, रिटेंशन मनी में देते ना 10% साहब, वैसा करना अपने जनरल बिल में भी 10% जब रिलीज, यानी 10% अपना सिक्योरिटी वो तो कर लेते, 1 साल 3 साल जनरल को भी लगा लेते, वो करना पड़ेगा सर। तो तुमको इतनी मनमानी चल रही, इतनी मनमानी चल रही, नहीं मनमानी चला रही है, ऐसा है। एक मिनट सुनो सर, एक चीज मेरे को ये बताओ कि तुम बीएमएससी का अपने यहाँ बनता था, अभी अगर उसकी पॉलिसी पीडब्ल्यूडी की चेंज हुई आपने आप उसको कारपेट कर रहे हैं, कारपेट सीढ़ी में कैसे टिकेगा अपना? उसको दिखने से कुछ नहीं, चादर के जैसा कारपेट। इसलिए जिनको हम बोलते हैं, हम स्टैंडिंग में सुझाते सब सुझाते, मानने की तैयार नहीं रहते। टेक्निकल लोगों को हमको बोलना पड़ेगा। पकड़ते ये तुम्हारा ग्रिड का तुम्हारा कारपेट आता और वो अपनी वो आती स्प्रिंग आती उसमें कैसे क्या वो थिकनेस ही नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास स्क्वायर मीटर में क्यूबिक मीटर में हम बनाने बोलते उनको? नहीं नहीं सर, नहीं आइटम अपने यहाँ 12 mm का 0.12 कर देते थिकनेस सीमेंट रोड की और वो उसको लंबा कर देते अपने यहाँ। मैं पहले स्टैंडर्ड फाइनल करो 0.15 का रोड रखना, नहीं सर 0.12 के 10 एस्टीमेट बनाओ। अभी मैं बताऊंगा 10 एस्टीमेट मैंने वही बोला कि अपने यहाँ एक स्टैंडर्ड तुम बाहर करो, 0.12 के एस्टीमेट बनने ही नहीं होना। अभी गटर की कंक्रीटिंग करते ना सर, 1:4:8 की कंक्रीटिंग करते। मैं बोलता 1:4 की कंक्रीटिंग क्यों नहीं करते तुम? तुम्हारे तुम उधर बोलते जाके वो विकास लाने बोलते, तुम यहाँ पर ही कंक्रीटिंग सही कराओ ना। एक गाड़ी है 2 बीट मुकादम एक वार्ड दे, 2 वार्ड 1 बीट मुकादम देते, क्या ये स्टाफ दे प्रोवाइड करेंगे? इनको सीधा सीधा आउटसोर्सिंग से करने को लो। अब भी बनाओ एस्टीमेट और अपने पास वो है हेड है उस पर अतिक्रमण का, तुम डालो 20-22 लाख क्लियर हो जाएगा। वो करो जैसे तुमने मलेरिया प्रोविजन करे ना, ये भी प्रोविजन करके दो तुम। साहब वो मेरा वाल कंपाउंड का क्या करना है? आज अभी बात करो उसके बारे में। तुम 3 महीने से मुझे बेवकूफ़ बना रहे, इसकी तरफ भेजते हो उसकी तरफ भेजते हो, काम रुक के बढ़े ले, काम करना क्या नहीं मैंने अपनी जगह पर ये 374 की नोटिस ये सब देना बंद कर, बेवकूफ बनाते सारे अधिकारी लोग।
पहले पेपर लाओ, पेपर बताओ अपनी जगह क्लियर क्लियर है, क्या कारण है डायरेक्ट 52-53 की नोटिस क्यों नहीं देते तुम, या डायरेक्ट अतिक्रमण के साथ नोटिस भी देने की नोटिस भी देने की जरूरत थी ना, अपना अपनी जगह अपना सब कुछ है। अरे दिया इन्होंने नोटिस, नोटिस देखो समझ में सारे लोगों को चलिए ठीक है, आपको मैं तो कल रिंग कर रहा हूँ ठीक है। ये है ना, ये तुम्हारे लोग खुद है ना, उनको बोलते हैं हम ऐसे ऐसे नोटिस देंगे, तुम फला फला वकील से बात करके रखो, हम देंगे फिर तुम कोर्ट जाना दाखिल करना, फिर हम इधर बोल देंगे अब कोर्ट में खुद यही कर। अरे अपना ओपन स्पेस उसमें क्या का कोर्ट कोर्ट हमने तुमको इससे बोले तुम यार प्रभार अधिकारी को मेमो क्यों नहीं देते, जवाबदारी उसकी है ना, तुम काहे को ये गरीब को वहां डाल रहे, तुम प्रभार अधिकारी को मेमो क्यों नहीं देते। अरे 4 महीने से आ जा रही है ये विषय, 4 महीने से चल रहा है, 4 महीना पहले आए थे उसको तो तुम ये नोटिस देने दे, शादी घर बनाने का मेरे कल करके दो, मेरा ठेकेदार काम नहीं कर रहा, काम रुक के पड़े थे, ये हफ्ते में नहीं करके देगा समझ बना दूंगा मैं, बहुत हो गया इलेक्शन में सब कुछ बोल नहीं रहे थे। तुम मत जाओ उसको भेजो प्रभाग अधिकारी को, अरे है नहीं वो सारा बीमार पड़ा सारा माल लेकर रह वो होता ले लिया उसने उससे। अरे अरे अच्छा हो गया घूम रहा हो और वहाँ लेडीज संडास से बाजू में वहां पर वही सब चलते हैं, जुगाड़ सट्टे घंटे चल रहे वहां पर, वहां खोखे इतने बड़े बड़े खोखे, उसके अलावा भी बड़े बड़े खोखे बना के रख दिए लोगों ने वहां पर, मुझे क्लियर करके तो साहब मेरा काम चालू करने का, लोग ने हमारे को अभी इलेक्शन में वादा करके आए लोगों से, इलेक्शन में हाँ बदनामी आती है भाई, ऐसा इजाज ने ऐसा किया नहीं, वो इलेक्शन से पहले जो मामले, अरे भाई 4 महीने तो दौड़ रहा है इनके पास, आयुक्त के पेपर में लेटर पे लगाया तो दिए ही नहीं, फिर माइती अधिकार में मुझे डालना पड़ा तो दिए, नाम अपनी क्या इज्जत है। आज आप मेमोरेंडम किस चीज़ के दिए और क्या काम करने के लिए कहा? हमने दो चीज़ों के लिए मेमोरेंडम दिया है, कैसा है कि रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है, आज 1 तारीख है और मालेगांव में जो है रबीउल ईद मिलादुन नबी के जुलूस के निकलने पर 100 साल पूरे हो रहे हैं, 100 साल जुलूस है और शहर के हालात इतने ख़राब है कि एक रास्ता ऐसा नहीं है जिसके ऊपर इत्मीनान से आदमी पैदल चल सके। रास्ता दुरुस्तगी के लिए पेशवर के लिए हमने लेटर दिया है और अगर 24 घंटा पहले ये काम मुकम्मल करके नहीं मिला तो हम लोग यहाँ आ करके धरना दे करके बैठ जाएंगे। दूसरा लेटर हमने इसलिए दिया है कि पूरे शहर के अंदर गंदगी का अंबार है, गंदगी की वजह से डेंगू मलेरिया और जैसे ना जाने कितनी नित नई बीमारियाँ वजूद में आ गई हैं, हॉस्पिटल सारे भरे हुए हैं, गरीब लोग इलाज व मुआलजे के लिए परेशान हैं, कोई सहूलत कॉरपोरेशन की तरफ से नहीं, साफ़ सफाई को लेकर के, बीमारी को लेकर के, पानी के मसले को लेकर के, ये सारे मुद्दों पर हमने कल मीटिंग रखवाई है और तमाम डिपार्टमेंट के जो ऑफिसरान हैं इससे मुतालिक उन लोगों के साथ हमारी कल 12 बजे मीटिंग होगी। तुमने लिए एमजीपी के रेट्स कैसे रहते, अपने रेट्स और एमजीपी के रेट में कितना वेरिएशन है, आप वो एमजीपी के रेट एप्लीकेबल करके लाता और यहाँ पर तुम बना के उसको साइन करते, अपने रेट से वेरीफाई करने के तुमने क्यों कैसे करेंगे साहब, अपन पीडब्ल्यूडी एप्लीकेबल करते हैं और एमजीपी के रेट से कैसे करेंगे, और ये कितने 7 लाख का ये भी वही है, ये सारे भी वही करवट दिए सारे सेम था, नहीं उसमें ये जो बनाया था कॉजवे था हां उसका काम पूरा नहीं है, अभी पूरा ही नहीं हुआ है काम, वो इमरजेंसी के लिए बोले ये कर दिया अभी और साहब देखिए मैं करके दे रहे हूं, ये बता ऐसा काम अपन लेने वाले हैं, तुम मक्तेदार जाके डिजाइन लाएगा कंसल्टेंट से, ये कौन सा तरीका हुआ अपना,
डिजाइन तो अपन ने दे दो ना अपन ये मक्तेदार ला रहा डिजाइन मक्तेदार डिजाइन कर रहा एस्टीमेट वो डिसाइड कर रहा अपन सिर्फ साइन करने बैठे हुए ये वाला ये कॉजवे ब्रिज का बीच का भी रोड जो है साहब इस्तेमाल में नहीं आएगा।